रुड़की के भीड़भाड़ वाले इलाके में पटाखों के एक बड़े कारोबारी के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। वहीं और भी कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि रुड़की के मेन बाजार की पिछली गली में एक पटाखा कारोबारी काफी समय से पटाखों का कार्य करता है और गुपचुप तरीके से उसने वहीं पर पटाखों का एक गोदाम भी बना रखा है। आज सुबह अचानक पटाखों की इस गोदाम में भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं धमाके की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और राहत कार्यों में जुट गया। घटना के संदर्भ में हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। एसएसपी ने बताया कि घटना के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है और अभी कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में ले जाया गया है। वहीं उन्होंने कोतवाली क्षेत्र के अधिकारियों को पूरी जांच के आदेश दे दिए हैं और जल्दी मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाए जाने की बात भी कही है। देखिए, एक शॉप थी, उनका पटाखे का एक गोदाम बना रखा था जो गरीब बस्ती में जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इसका अभी जो अभी हमने सीएफओ से जानकारी करी कि इसमें कोई एजेंसी या परमिशन हो तो ऐसी कोई बात नहीं बताई है। प्रथम दृष्टया ये दुर्घटना लग रही किन कारणों से हुई है उसकी जांच की जाएगी। एफएसएल की टीम को बुला लिया हमने, साथ ही साथ बीडीएस टीम को बुला लिया जो समस्त एंगल पर इसको चेक भी करेगा किन कारणों से इसमें ऐसी घटना हुई, दुखद घटना। हम इससे कह रहे हैं इस पर पूरे जो पुराना जो इशू रहा है इसमें यहाँ पर वो प्लस आज की घटना, इस सारी चीजों को एक लेवल की तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। कितने लोग अंदर मौजूद हैं? 4 लोग का मुझे कंफर्म किया है कैजुअल्टी का, एक सीरियस इंजर्ड बताया है। तो एक्चुअल सी बात है, इतने लोग रहे होंगे तभी इतनी कैजुअल्टी हुई है। अब वो बच्चे काम करने वाले थे या किन कारणों से यहाँ पर आए थे या अन्य लोग जो लोग थे, ये सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। एक बार हमारा आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाए, जो लोग सेफ है उनको निकाल लिया जाए, उसके बाद ही समस्त चीजें बता पाएंगे। लेकिन ये दुर्घटना दुखद है और किस कारणों से हुई है उसको भी जरा चेक करने के लिए हमारी टीम पहुंचने वाली, तो इसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।